आप देख रहे हैं दर्पण भारत चैनल। बेशक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में दलितों को राजनीतिक पहचान दी, लेकिन दलितों को सत्ता के मुकाम तक पहुंचाने का काम किया बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने। उन्होंने तय किया कि कभी घर नहीं जाऊंगा, अपना घर नहीं बनाऊंगा, गरीबों दलितों के घर ही हमेशा रहूंगा, रिश्तेदारों से मुक्त रहूंगा, शादी श्राद्ध बर्थडे जैसे समारोहों में शामिल नहीं होऊंगा, कहीं पर नौकरी नहीं करूंगा, फूले और अंबेडकर के सपनों को पूरा होने तक चैन से नहीं बैठूंगा। काशीराम ने इसका बखूबी पालन भी किया। एक बार मंच से जब वह बोल रहे थे, उसी भीड़ में उनके पिता हरी सिंह श्रोताओं के बीच बैठे दिखे। पिता ने भी मिलने की इच्छा जताई, लेकिन काशीराम उनसे नहीं मिले। पिता की मृत्यु के बाद भी वह घर नहीं गए, वहीं आजीवन अपनी माँ से भी नहीं मिले। कभी कभी लगता है इतना कठोर होना क्या जरूरी था। इसका जवाब तो काशीराम ही दे सकते थे। दरअसल ये कठोरता इसीलिए थी कि वह अत्यंत संवेदनशील थे। काशीराम के पिता हरि सिंह रोपड़ तहसील के डाक बंगले पर दैनिक मजदूरी करते थे। बचपन में जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि कोई साहब बंगले में रुके हुए हैं और पुराने जमाने का हाथ से चलने वाला पंखे की डोरियां उनके पिता खींच रहे हैं और फिर थक कर सो गए। बालक काशीराम चुपचाप वहां से चला आया, अपने पिता से मुलाकात भी नहीं की। बड़े लोग बड़ी बातें में आज दलित नेता काशीराम की 10 बड़ी बातों पर नजर डालेंगे। काशीराम ने बामसेफ की स्थापना की। 5 मार्च 1934 को जन्मे काशीराम को उत्तर प्रदेश में दलितों का मसीहा कहा जाता था। 1958 में ग्रेजुएशन करने के बाद काशीराम ने पुणे स्थित DRDO में बतौर सहायक वैज्ञानिक काम किया था। इसी दौरान अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी को लेकर किए गए उनके संघर्ष से उनका मन ऐसा पलटा कि कुछ साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर खुद को सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष में झोंक दिया। उन्होंने 6 दिसंबर 1978 को नौकरियों में लगे अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग और धर्मांतरित अल्पसंख्यकों के साथ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लाइज फेडरेशन बामसेफ की स्थापना की। मायावती को कहा, अफसर नहीं सरकार बनाना चाहता हूं। 1977 में काशीराम दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में प्रभु दयाल के घर पहुंचे थे। मायावती उस समय लालटेन की रोशनी में पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने मायावती से पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? इस पर मायावती ने कहा, मैं IAS अफसर बनना चाहती हूं ताकि अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। मायावती के इस जवाब पर काशीराम ने कहा, मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहां दर्जनों IAS अफसर तुम्हारे सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे, तुम तय कर लो तुम्हें क्या बनना है। काशीराम ने DS4 की स्थापना की। 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 की स्थापना की। 1982 में उन्होंने द चमचा एज लिखा, जिसमें उन्होंने उन दलित नेताओं की आलोचना की जो कांग्रेस जैसी परंपरागत मुख्यधारा की पार्टी के लिए काम करते हैं। 1983 में DS4 ने एक साइकिल रैली का आयोजन कर अपनी ताकत दिखाई। इस रैली में 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। बाद में 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया। दलितों को संविधान का सही मतलब समझाया। काशीराम ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भारतीय संविधान का यही प्रचार दलित उत्थान के लिए है। उन्होंने गांव-गांव जाकर अपने हक की लड़ाई के लिए दबे कुचले लोगों को संगठित किया था। वो हमेशा कहते थे, बाबा साहब का संविधान हमारे लिए हक और अधिकारों की रक्षा के लिए बना है। सफेद और नीला रंग ही पहनते थे काशीराम। काशीराम ने अपना पूरा जीवन दलित संघर्ष में झोंक दिया था। उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर साइकिल दौड़ाई और मीलों पैदल भी चले। कई बार ऐसे मौके भी आए जब उन्होंने फटी कमीज पहनकर भी दलितों की अगुवाई की। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी नीली या सफेद कमीज के अलावा किसी दूसरे रंग का कपड़ा नहीं पहना। मुलायम और काशीराम की मुलाकात चर्चा में रही।
उत्तर प्रदेश में सत्ता को लेकर गठबंधन के लिए कांशीराम और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई। इस मुलाकात से सभी पार्टियां सकते में आ गई थीं। दोनों की मुलाकात में एक नारा गूंजा, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। वाजपेयी कांशीराम को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को मंत्री और कांशीराम को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन कांशीराम ने वाजपेयी का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उन्होंने वाजपेयी से कहा कि वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देने वाले कांशीराम सत्ता को दलित की चौखट तक लाना चाहते थे। वे राष्ट्रपति बनकर चुपचाप अलग बैठने को तैयार नहीं हुए। 84 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। कांशीराम की BSP ने राजनीति में दबदबे की शुरुआत की और पहला पड़ाव बना बिजनौर। कांशीराम की प्रिय शिष्या मायावती को मीरा कुमार के खिलाफ उतारा गया। पार्टी चुनाव तो हार गई लेकिन यहीं से वोट बैंक बनने की शुरुआत हो गई। BSP का पांव जमना शुरू हो गया। रणनीति साफ थी कि हर जगह दलितों को सीधे तौर पर खुद से जोड़ लिया जाए ताकि पार्टी इतनी मजबूत होकर उभरे कि दूसरी पार्टियों की जरूरत महसूस होती रहे। पार्टी सत्ता में आने से ज्यादा किंग मेकर बनने में यकीन रखती थी ताकि दूसरी पार्टियों को अपनी शर्तों पर नचाया जा सके। कांशीराम और मायावती का साफ कहना था कि किसी पार्टी की स्थायी सरकारों से दलितों का भला नहीं हो सकता, इसलिए अक्सर सरकारों का बनना बिगड़ना जरूरी है, यानी पार्टी ने अपनी शर्तों पर सत्ता के समीकरण बनाए और बिगाड़े। उत्तर प्रदेश में 1989 और 91 के चुनावों में BSP ने जलवे दिखाने शुरू कर दिए और लगभग 9% वोट बैंक पर कब्जा कर लिया। सीटें बढ़ती गई और BSP सचमुच असरदार किंग मेकर बनती गई। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने मुलायम के साथ हाथ मिलाकर BJP को चित्त किया और बाद में मुलायम को ही गच्चा दे दिया। लेकिन 90 के दशक में पार्टी ने एक बार फिर BJP का दामन थाम लिया और फिर मौका मिलते ही उसे भी निपटा दिया। यानी जब भी सत्ता हथियाने का मौका मिला तो खुलेआम दूसरी पार्टियों से हाथ मिलाया और जब भी सत्ता दूर जाती दिखी तो उसी पार्टी को ठोकर मारने में भी कोई झिझक नहीं की। कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, ऐसे कितने ही शिकार पार्टी बनाती चली गई। ये मौका परस्ती सियासत का खुल्लम खुल्ला खेल ही था कि मायावती 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुई। एक तरफ वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी से कांशीराम और मायावती की नजदीकियां रही, लेकिन ठीक उसी वक्त BSP ने आडवाणी पर गरजने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मायावती ने कभी लालजी टंडन को राखी बांधी तो कभी उन्हें ही लालजी टंडन बता दिया। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी शुरू से ही BJP-BSP गठजोड़ के महानायक रहे, लेकिन BSP के खुलेआम मौका परस्ती की नीति ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। 1999 में जब वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिराई गई तो उसमें भी BSP का अहम रोल रहा। बात यही खत्म नहीं होती। BSP एक बार फिर BJP के करीब जाती है और फिर निकल कर चली आती है। कुल मिलाकर कांशीराम और मायावती की जोड़ी को दलितों को आगे लाने का श्रेय जाता है। आज आप लोगों का ये प्रोग्राम कस्तूरचंद पार्क में होने वाला था और उस कस्तूरचंद पार्क की बजाय आप लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि डेमोक्रेसी में, लोकशाही में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पार्टी को हर जगह अपनी बात कहने की इजाजत होनी चाहिए, आप सोचते होंगे। लेकिन अगर ये सोचकर चलेंगे कि जो बैलेट है उसी से इस देश में राजपाट आ जाएगा तो आप लोग अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। हमें राजपाट तो बैलेट से लेना है लेकिन तैयारी बुलेट की भी रखनी है। राजपाट तो बैलेट से लेना है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में राजपाट बैलेट से लिया है, लेकिन जब असेंबली में आकर फिर जय श्री राम कहने लगे और असेंबली में आकर फिर वो स्पीकर की कुर्सी पर चढ़ गए, मेज पर चढ़ गए और उन्होंने सोचा कि बहुजन समाज के लोग डर गए हैं तो ग्लास फेंकने लगे और लाउड स्पीकर उठा कर फेंकने लगे, तो 20 मिनट तक बैकलैश हुआ। वो कहने लगे कि बैकलैश होगा,
पहले से ही पेपरों में आ रहा था कि स्वर्ण हिंदुओं के हाथ में से राज पिछड़ों के हाथ में चला गया है, अब बैकलैश होगा। तो मैं कह रहा था कि बैकलैश के मुकाबले में उससे ज्यादा पावरफुल फ्रंट लैश होगा। अगर बैकलैश होगा तो फ्रंट लैश होगा। हम बैलेट से जीते हैं और बैलेट से जीतने के लिए ही हमें अपने आप को तैयार करना है। हमारे समाज को बैलेट से जीतने के लिए तैयार करना है, लेकिन बैलेट से जीतने के बाद भी जब असेंबली में सरकार ना चलाने दें तो भाई उधर कोई बुलेट की जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन जो भी छोटा मोटा हथियार हाथ में आया उसको इस्तेमाल करना पड़ा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि दे हैव गॉन विद ब्लडी नोसेस, तो वो बुरा नाक लेकर चले गए। आपने देखा होगा कि उन लोगों को, जिन लोगों ने बैलेट की बात को नहीं माना, फिर दादागिरी की, दादागिरी का मुकाबला दादागिरी से किया। तो इसलिए साथियों, आप लोगों को ये नहीं सोचना है, हमें बैलेट से लगाव है और बैलेट के आधार पर ही हमें इस देश में परिवर्तन लाना है। लेकिन अगर मुट्ठी भर लोग अगर बुलेट का इस्तेमाल करें, लाठी गोली का इस्तेमाल करें या और किसी गैर संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करें, तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें अपने समाज को तैयार करना होगा। राम जी के निधन पर मुझे गहरा दुख हुआ है। काशीराम जी ने अपनी मेहनत से और समर्पित भावना और निष्ठा से सामाजिक के अव्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई मजबूत की। मुझे भी मिलकर के हमें दोनों को काम करने का मौका मिला और संघर्ष किया। उनका पड़ाव है कि मस्जिद के ढहने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी, 1997 में हमने दोनों मिलकर सरकार बनाई। तो बहुत ही परिश्रमी और सूझबूझ के नेता थे। उनके निधन से हमारे देश ने एक बड़ा नेता खो दिया, वंचित हो गए हैं। उनके प्रति मेरे हृदय में हमेशा बहुत आदर रहा है। उनके त्याग को देख करके उनका सर मेरा झुकता है और मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको देता हूँ। योग्य राजनीतिक विचारक के रूप में और एक संगठक के रूप में मैं हमेशा उनका आदर करता रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मेरा संपर्क उनसे काफी समय से हुआ और मैं मानता हूँ कि आज अगर बीएसपी एक राष्ट्रीय दल बन करके देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो उसका किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना होगा तो वह श्री काशीराम जी को ही देना होगा। एक आधुनिक युग के भारतवर्ष के महान नेता थे काशीराम जी, और दलितों को जो उन्होंने जगाया, इज्जत और सम्मान दिया, और भारत के मानचित्र पर उन्होंने दलित भाइयों को जो अंतिम आदमी समाज के हैं उनको प्रतिष्ठित करने में बड़ा भारी इनका योगदान रहा है। राष्ट्र को बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। दलितों का मसीहा और गरीबों का चौकीदार रक्षक इस देश से उठ करके चला गया और हम लोग तो साथ में काम किए और हम यही कामना करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आदरणीय काशीराम जी ने जिस मुकाम तक पहुंचाया है, हम उसको आगे ले चलने का कसम लें।
गंबोध घाट के दृश्य देख रहे हैं। शाम 4 बजे कहा जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार होगा। क्रिया शुरू हो गई है, उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंच गया है। आज दोपहर 2 बजे तक उनका शव बीएसपी के मुख्यालय पर रखा गया था और लगभग दो घंटे तक चली शव यात्रा के बाद यहाँ पर लाया गया है। बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें, फिलहाल सुषमा स्वराज बीजेपी की नेता और उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत भी यहाँ पर आए, अपनी श्रद्धांजलि दी और सुबह से ही आला नेताओं का श्रद्धांजलि देने का सिलसिला चलता रहा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी विदेश यात्रा पर जाने से पहले वे श्रद्धांजलि देने गए हुमायूं रोड में, जो निवास स्थान है जहां पर उनका सुबह पार्थिव शरीर रखा गया था। अभी जिस तरह से हम देख सकते हैं, शायद उनकी बहनें आ रही हैं जो अंतिम विदाई के लिए पहुंची हुई हैं। परिवार की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, परिवार की तरफ से कुछ लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं थी और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ भाई बहन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक तरह से देखा जा रहा है कि एक परिवार में ही मतभेद थे, लेकिन फिलहाल आज जो ये मौका आया है, सभी उसको दूर कर एकजुट हम देख सकते हैं खड़े हुए हैं। उनके पार्थिव शरीर के साथ ही उनकी बहनें हैं और भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। मायावती ने फिलहाल जिस तरह से साफ कर दिया है कि दिल ढलने से पहले कोशिश रहेगी कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए। बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार मायावती पहुँच गई हैं। हम देख सकते हैं जिस तरह से सब चीज़ों को नियंत्रित कर रही हैं, नज़र रख रही हैं कि किसी भी चीज़ में किसी भी तरह की बाधा ना पड़े आज के इस अंतिम विदाई। जो संस्थापक रहे बीएसपी के, जिन्होंने दलितों को आवाज़ दी, उनकी आवाज़ को बुलंद किया और जिस तरह से कहा जा रहा है राजनीतिक हथियार दिया, बाबा राव अम्बेडकर की कदमों पर चलते हुए कांचीराम ने जिस तरह से दलितों को एकजुट किया, वो भी अपने आप में सराहनीय है। जिस तरह से उन्होंने 1991 में इटावा में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीता था, उसके बाद वो लोकसभा में आए, लेकिन 81 में उन्होंने दलित शोषित समाज की स्थापना की थी। उससे पहले भी जब वो सरकारी नौकरी कर रहे थे, तभी भी उन्होंने जिस तरह से एक छुट्टी को लेकर, बाबा अम्बेडकर की छुट्टी को लेकर जिस तरह से एक आंदोलन कहें उन्होंने शुरू करा, शामिल हुए, तब वो जागरूक हुए। जिस तरह से कहा जाता है कि उन्होंने कभी ये नहीं देखा था, जब वो बड़े हो रहे थे, बीएससी तक उन्होंने पढ़ाई करी थी, 1934 में होशियारपुर पंजाब में जन्मे थे, पढ़ाई लिखाई की, लेकिन तब उन्होंने किसी तरह की भेदभाव नहीं महसूस करा, लेकिन जब एक छुट्टी को लेकर बवाल मचा, तब वो जागरूक हुए और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर दलितों को एकजुट किया, उनकी आवाज़ को, उनके हक दिलाने के लिए, राजनीतिक हक दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश की। उन्होंने 84 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, 91 में इटावा से वे लोकसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा पहुंचे थे और फिर जिस तरह से मायावती उनकी शिष्या रही, एक समय में मायावती को उन्होंने बागडोर दे दी थी, लेकिन अभी हम देख सकते हैं वो दृश्य कि परिवार के सभी लोग, कांचीराम की बहनें एक साथ खड़ी हुई हैं मायावती के, मायावती की कोशिश है जो भी मतभेद के स्वर आ रहे थे उनको पूरी तरह से मिटा दिया जाए। प्रेस के सामने, मीडिया के सामने लोगों से यही कि आज जो अंतिम मौका है, ये मौका है, इसमें भेदभाव का, लड़ाई का नहीं है। फिलहाल सभी परिवार के सभी लोग एक साथ खड़े हुए, हम देख रहे हैं जिस तरह से परिवार वाले पहले जो भी आरोप लगाते रहे, लेकिन आज जब अंतिम विदाई का समय आया है तो लोग एकजुट होकर, पूरा परिवार एकजुट होकर अपने कांचीराम को विदाई देने के लिए खड़ा हुआ है। बौद्ध भिक्षु हम देख सकते हैं, बौद्ध धर्म के जो यहाँ पर श्रद्धा रखते हैं, बौद्ध भिक्षु हम देख सकते हैं, वो ही इस पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम विदाई देंगे कांचीराम को। कांचीराम की ये इच्छा भी थी कि जो उनकी अस्थियां हैं वो नदी में ना प्रवाह की जाए। उनका ये कहना था कि उनकी अस्थियों को वो चाहते हैं कि वे जो पार्टी के कार्यालय हैं लखनऊ में हैं या दिल्ली में हैं, मुख्यालय दिल्ली में है, वहाँ पर रखी जाए, जिससे कि एक तरह से प्रेरणा का स्रोत वो बने रहें लोगों को। तो फिलहाल हम देख रहे हैं जिस तरह से निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 घंटे तक चली शव यात्रा के बाद यहाँ पर देख सकते हैं
राष्ट्रीय झंडा है उनके शरीर के ऊपर से हटाया गया और उसके बाद अब सभी रीति रिवाज शुरू हो जाएंगे। एक तरह से उनके शव को उनके परिवार को अब सौंप दिया गया है। जो उनकी मान्यताएं हैं, परिवार की जो आस्थाएं हैं, उसके अनुसार ही अंतिम विदाई ये दी जाएगी। आज सुबह से ही सभी आला नेता पहुंचे थे कांशीराम को श्रद्धांजलि देने के लिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे हुए थे विदेश यात्रा पर जाने से पहले। सोनिया गांधी यूपी के अध्यक्ष अपने बेटे राहुल गांधी के साथ पहुंची हुमायूं रोड निवास पर। कुछ समय उन्होंने बताया भी मायावती के साथ, उनसे बातचीत भी की। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान ये भी दलितों के एक नेता हैं, लेकिन जिस तरह से कांशीराम ने इतने वर्षों पहले दलितों के झंडा बुलंद किया था, उनकी आवाज़ को उठाया था, वो अपने आप में सराहनीय है और याद किया जाएगा। अब उनके पार्थिव शरीर को बौद्ध भिक्षुओं के हवाले कर दिया गया है और वो अपनी रीति रिवाज के अनुसार अनुरूप कांशीराम जी को विदाई दे रहे हैं। ये उनकी अंतिम इच्छा थी कि उसी के अनुसार उनको विदाई दी जाए। फिलहाल ये पुष्ट नहीं है कि वो क्या उन्होंने बौद्ध धर्म में अपने आप को उसमें परिवर्तन कर लिया था कि नहीं, लेकिन जिस तरह से काफ़ी आस्था रखते थे वो इस धर्म में, जिस तरह से ये धर्म भी शुरू हुआ था, समाज में जो जातिवाद की बुराइयां थी उसके ऊपर ये बौद्ध धर्म शुरू किया गया था कि जिसमें किसी भी जाति में लोग बटे हुए नहीं थे, एक समाज था, एक लोग थे, एक आस्था थी, भेदभाव नहीं बरता जाता था। इसीलिए वो बौद्ध धर्म को बहुत मान्यता देते थे। रीति रिवाज उसमें जिस तरह से धर्म में होता था उस जब बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, उसके बाद से ये कोशिश रही है कांशीराम की रीति रिवाज पीछे रहे और साथ ही जो समाज में एकता है वो लाई जाए। दर्शकों से अनुरोध है कि दर्पण भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।